बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मैंने आज अर्थ डे है, आलमी ज़मीन का दिन, धरती का दिन। और ये दिन जो है वो इब्तदाई तौर पर 22 अप्रैल 1970 को पहली मरतबा मनाया गया था। इसके मकासद यही थे कि ज़मीन पर जो गैर फितरी अवामिल हैं जिनकी वजह से ज़मीन की जो कैफियत है, ज़मीन का जो माहौल है वो आलूदा हो गया है, फ़ज़ा भी आलूदी हो गई है और ज़मीन पर भी आलूदगी है, तो इन आलूदगियों से पाक करना है। जिस मालिक ने ये ज़मीन का फर्श बिछाया, उसने क्या खूबसूरत इस पर जंगल, इस पर सब्ज़ा, हरियाली और पानी, दरिया और पहाड़, तमाम ये असबाब पैदा किए। और ये तमाम के तमाम इतने खूबसूरत हैं कि इनको देखने को आज भी लोग हज़ारों लाखों रुपये खर्च करते हैं, दुनिया भर की सैर को निकलते हैं, और सिर्फ हमारी धरती को देखने के लिए, हमारी धरती के दिलकश नज़ारों से जो है वो दिल लुभाने के लिए निकलते हैं। लेकिन क्या आज ये धरती इस लायक हमने छोड़ी है? कहीं इस पर जो है वो फजला है फैक्ट्रियों का, कारखानों का, कहीं हमारा एक आम शहर का माहौल जो है उसको अगर देख लीजिए कि जगह जगह कचरे के ढेर होते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और दुनिया के बड़े शहरों में शुमार किया जाता है कराची, उसे आज जो वज़ीर-ए-आज़म हैं पाकिस्तान के मियाँ शहबाज शरीफ, ये गुज़िश्ता दौर में कराची का विज़िट करने गए तो कराची को कचराची कहा, कचराची यानी कचरे का शहर। तो इस तरह से जो अब लाहौर में इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, मरीम नवाज साहिबा उनकी भतीजी हैं, वो वज़ीर-ए-आला हैं पंजाब की, और उन्होंने अज़्म का इजहार किया था जब उन्होंने हल्फ लिया था, उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया था कि वो लाहौर ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब में एक साफ़ सुथरे पंजाब का एक बड़ा हेल्दी कंपटीशन उन्होंने रखा था कि जनाब ये हर माह जो है वो जो बेहतरीन साफ सुथरा पंजाब का ज़िला होगा, शहर होगा। बल्कि उन्होंने तो जो हलके थे कौमी असम्बली के पंजाब से, उन्होंने तो हर हलके को एक डिस्ट्रिक्ट का लेवल जो है वो करार दिया था और कहा था कि वहाँ तक वो इस सफाई सुथराई के प्रोग्राम को ले जाएंगी। लेकिन लाहौर में जो है वो अहले लाहौर, उन्होंने कितना उनकी बात का पास रखा है, कितना वो अमल करवा सकी हैं अपने मातहत इदारों के ज़रिए जिनकी ज़िम्मेदारी है ज़मीन को, माहौल को साफ़ सुथरा रखना। मैं आपको पहले तो दिखाता चलूं, मेरे नुमाइंदा महक अब्बासी जो हैं इस वक्त आज वो लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों का विज़िट किया उन्होंने, और वो जो जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं जो ज़मीन की, हमारी इस धरती माँ की खूबसूरती को बदनुमा कर रहे हैं, आज वो उनके हवाले से हम लोगों में कितना शऊर है। हमने कोशिश की माहिद अब्बासी के ज़रिए कि हमें लाहौर में लोगों के शऊर का पता चले कि वो सेहत व सफाई के हवाले से कितना उनमें जो है वो शऊर है। जी ज़रा दिखाइएगा माहिद अब्बासी के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? सागर। सागर, आज आपको बताया कि अर्थ डे है, पूरी दुनिया में बाहर के ममालिक में डे मनाया जाता है उनको पुरानी हालत में लाने के लिए सफाई सुथराई के हवाले से, तो पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार है, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान को आज मनाना चाहिए ये क्या सीन है? नहीं, पाकिस्तान तो फिलहाल आपको पता ही है, आप देख ही रहे हैं, ये आपके सामने ये सब कुछ देख सकते हैं आप कि पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान को अर्थ डे क्या कुछ भी नहीं मनाना चाहिए, जो जिस तरह की कंडीशन चल रही है पाकिस्तान की, ठीक है। आपको भी पता ही, अभी कल रिसेंटली जो है दोबारा इलेक्शन हुए हैं, और मैं नहीं समझता कि ऐसे हो सकता है कि यार एक भी जो है वो सीट जो है वो इसे ना मिली हो पीटीआई को, लेकिन जो है वो सभी फिर वही सिस्टम चला जो पहले चला था और सभी सीटें जो है वो समझते हैं कि पाकिस्तान को साफ़ रखने के लिए क्या ऐसा इकदाम किए जाएँ कि पाकिस्तान साफ़ हो जाए, हो सकता है मुमकिन? यार पाकिस्तान तो अभी कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान दिन ब दिन आप देख रहे हैं, जीडीपी भी देखेंगे जो पाकिस्तान जो दिन ब दिन नीचे जा रहा है और ये मज़ीद नीचे जाएगा, आप देखेंगे ये आने वाले वक्तों में देखेंगे ये पाकिस्तान मज़ीद नीचे जाएगा, क्योंकि जब हम जो है वो ज़्यादा जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि सड़कें गंदी हैं, गली गंदी हैं, इसमें सबसे ज़्यादा किरदार हुकूमत का है कि हम आवाम का ज़्यादा किरदार है इसको गंदा करने में? यार इसमें दोनों का ही किरदार है, ठीक है, आवाम तो ऐसा करेगी, ठीक है, आवाम को थोड़ी सी अवेयरनेस भी देनी चाहिए, ये नहीं कि जो है वो हुकूमत ही गलत है हर जगह पे, लेकिन कुछ जगह पे आवाम भी गलत है, आवाम को थोड़ी सी जो है वो देनी चाहिए कि यार अवेयरनेस के भाई ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा हुकूमत जो अपना किरदार है वो तो सही तरीके से निभाए, क्योंकि जो आप देख रहे हैं, आप देखेंगे कि कोई भी सफाई वाला है वो हुकूमत से तनख्वाह ले रहा है, लेकिन फिर भी आपके घर का कचरा उठाता है, आपसे वही 200 रुपया लेता है, वो लेता है कि नहीं?
ये सभी हमारा इस्लामी निज़ाम है कि सफाई निस ईमान है। और कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है, लोग के सोच क्या है कि जो गंद डालता है उसे हम मुसलमान कहते हैं और जो गंद उठाता है, जो सफाई करता है, उसको हम चूड़ा कहते हैं। बस ये लोगों में जो अवेयरनेस नहीं है ना, जो लोग इनको जो समझते नहीं है। आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप आवाम? यार आज के दिन के लिए यही है कि भाई आपकी मेहरबानी, थोड़ा सा ख्याल करें कम से कम के। यार जिस तरह अपने घर को साफ रखते हैं ना, इसी तरह ये आपका घर ही है पाकिस्तान, पाकिस्तान सबका घर ही है। आप जो है इसे थोड़ा सा साफ रखें, इंशाल्लाह जो है वो पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। आज भाई दुनिया भर में सफाई सुथराई का ज़मीन का दिन मनाया जा रहा है, आप इस वक्त और मैं इस वक्त कचरे के ढेर पे खड़े हैं। जब हुक्मरानी कचरा होंगे तो यही हाल होगा। नहीं, आवाम का काम है ना सफाई। मेरे भाई गवर्नमेंट किस चीज की है? हाँ। किस चीज के पैसे दे रहे हैं हमें? हर चीज का तो टैक्स दे रहे हैं। अच्छा, अली मुर्तजा कहाँ से आप आ रहे हैं? मैं बर्फ दे गया रहा। अच्छा। आज दुनिया भर में आलमी सतह पे जो है अर्थ डे मनाया जा रहा है, जमीन का दिन। जी, जमीन का दिन से मतलब है कि साफ सुथरा माहौल, फूल पत्ते खुशबुएं हर तरफ हों। आप जहाँ खड़े हैं, आपको हम जहाँ खड़े हैं, हर तरफ गंदगी है, कचरा है। जी जी है, है। क्या हम लोग अच्छी अच्छी लोग हैं? नहीं, गंदे लोग हैं। कैसे अच्छे हो सकते? जरिए सफाई हो इधर से। हुकूमत ने करनी है, हमने थोड़ी करनी है। हुकूमत हर जगह तो नहीं पहुँचती ना मेरे भाई, कुछ तो हमारा भी फर्ज है ना। जी जी, अच्छे शहरी होने के नाते हमारा भी फर्ज है ना। जी जी जी, सफाई सुथराई रखें। जी। अब ये जो काम यहाँ आपके सड़क के किनारे गंदगी का ढेर लगा हुआ है, जी जी जी, इसमें 100 तरह की बीमारियाँ, 100 तरह के ऐसे ही है। ये बच्चे छोटी छोटी यहाँ घूम रहे हैं, ऐसे क्या इनका क्या जिंदगी है? इनकी कोई जिंदगी नहीं है। इनका हल करना चाहिए, कोई ना कोई इनका हल करना चाहिए। गवर्नमेंट ही कर सकती है, हम थोड़ी कर सकते हैं। हम लोगों को भी करना चाहिए। हम कैसे करेंगे? हम अपने अपने इंडिविजुअल सतह पे कर सकते हैं ना। जी जी, गंदगी ना करें, ना करें, ये वैसे यहाँ ना रोड के किनारे ना बांधे, ठीक है, प्रॉपर रखें, ठीक है, जी ऐसे ही होना चाहिए। जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन भाई, कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? सर मैं घर से आ रहा हूँ, ड्यूटी पे जा रहा हूँ। आज अर्थ डे है इंटरनेशनली। जी, आज दुनिया में सारे जो महजब माशरे हैं वहाँ पर अर्थ डे मनाया जा रहा है। बिल्कुल, यानी जमीन को उसकी असली हालत में ले जाएंगे। असली हालत में तो जब जमीन मेरे मालिक ने बनाई थी, कुन कहा था, तो साफ सुथरा माहौल था, हरियाली थी, जंगल थे, दरख्त थे, पौधे थे, खुशबुएं थी। ये जो जिस जगह आज हम खड़े हैं, सड़क के किनारे कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जानवर बंधे हुए हैं, क्या ये जिंदगी जीने का तरीका है? नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है और इसमें हमारी ही गलती है। हमें इस तरह का माहौल नहीं बनाना चाहिए, हमें साफ़ सुथरा बनाना चाहिए। यानी कि दरख्त वगैरह इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, जो ऑक्सीजन पैदा करती हैं, माहौल को बेहतर करती हैं, उस तरह की चीज़ें हमें अपनानी चाहिए। बाकी ये हमारी सोसाइटी के लिहाज से ठीक नहीं है। सोसाइटी जो है वो डाल देती है गवर्नमेंट पे, हुकूमत कर रही है। नहीं नहीं सर, गवर्नमेंट का तो हक बनता ही बनता है, लेकिन सबसे पहले हमारा अपना हक बनता है। ठीक है, हम जहाँ रहते हैं हमने उसको साफ़ सुथरा रखना है, उस माहौल को, इर्द गिर्द को जो है ना साफ़ सुथरा रखना चाहिए। गवर्नमेंट का तो चलो काम है, उनकी ड्यूटी है, वो भी उनको करनी चाहिए, जिसमें वो पूरी तरह नहीं उतरते हैं। लेकिन ये कि इंसान का जो हमारा सबसे पहला फ़र्ज हमारा है कि हम उसको साफ़ सुथरा रखें। एक बड़ी पुरानी कहावत है, बुज़ुर्ग हमारे कहते हैं कि कुत्ता भी जहाँ बैठता है तो दुम मारता है। मैं अभी यही बात करने लगा था, मेरे मुँह की बात आपने छीन ली है, कि कुत्ता भी जहाँ बैठता है ना वो अपनी दुम हिला के बैठता है, ताकि वो एरिया उसको साफ मिले, साफ सुथरी जगह में बैठता है। हम तो फिर भी अशरफ मखलूकात हैं, तो हमें गौर करना चाहिए इस चीज़ पर। थैंक यू सर। ये कचरा ला के डाल रहे हैं अब इसके अंदर? नहीं नहीं, लल्लन बेचने जा रहा हूँ। अच्छा, आपका तो वो काम है। हाँ। आपको सफाई का कुछ पता है कि सफाई भी होती है? सफाई भी होती है इधर। कोई सफाई का इलाके में सफाई होनी चाहिए, कुछ पता है इसके बारे में? होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो ये जो लोगों ने ये ढेर मचा रखा है यहाँ पे गंदगी का, ये क्या मतलब है? ये बाहर से इधर से छोड़ते हैं, गली से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक। यार आज दुनिया भर में सफाई सुथराई का दिन है, जमीन का दिन है, अर्थ डे मनाया जा रहा है इस तरह दुनिया में। और सफाई सुथराई, खुशगवार माहौल होना चाहिए, फूल होने चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए। हम इस वक्त जो खड़े हैं चारों तरफ कचरा है। ये पाकिस्तानी अवाम है, इधर कोई सफाई वाला ना कोई सफाई वाला, ये बेचारे कूड़ा चुगने वाले लोग हैं। जो सफाई वाले हैं वो 2-3 घंटा ड्यूटी देते हैं, भाग जाते हैं तनख्वाह लेके। अच्छा, सारे मिले हुए हैं यहाँ पे।
नहीं तो हम लोगों का भी तो हैसियत है एक आम माशरे के लोगों के, हमारा भी तो काम है सफाई के। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये नीचे देखिए पीछे आपके कचरा पड़ा हुआ है, यहाँ 15-15 जो है वो कभी इस तरह से नहीं पड़े रहने देते। ये पाकिस्तानी वहाँ में इस तरह के ना कुछ सफाई वाला है ना कुछ, बस 2-3 दिन घर ड्यूटी देते हैं वो। अच्छा खा रहे हैं ड्यूटी को छोड़े, हमारी क्या ड्यूटी है पाकिस्तानी होने के नाते, हमारी क्या ड्यूटी, हमारी क्या ड्यूटी होनी चाहिए, हमें तो मछलियों ने खाना है यहाँ पे, इतने इतने मोटे मच्छर ना कोई सफाई ना लेना ना देना। इधर दुनिया भर में ये जानवर जो हैं ये इस तरह से गलियों में और मोहल्लों में नहीं रखे जाते, ये बाहर जाते हैं। तो फिर दूध शुद्ध पे पीना होता क्या करे, दूध फिर पाउडर वाला पीना है, दूध नहीं पीते हैं क्या हम तो, अच्छा खालिस दूध पीते हैं भाई यार, वो डब्बे वाला दूध है हर केमिकल है। अच्छा आप केमिकल वाला नहीं पीते, हम किधर केमिकल है, जो हजारों मन जो है वो महकमा फूड वाले और सेहत वाले मिलावट वाले उठा के फेंक देते हैं। ये जो 100 ये एक गड़ भी खाद गड़ भी फिर वो का एक नंबर दूध है। तो भाई तो मैं पूछ रहा हूँ ना, तो इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसलिए मज्जों का दूध अच्छा है। अजीजन मन दुनिया के महजब माशरों में इस रोज़ यूँ तो वो वैसे ही अपने घरों में मोहल्लों में सड़कों पर सफाई रखते हैं, मगर जब ये दिन आता है खसूसन अर्थ डे आता है तो वो खुद से निकलते हैं अपनी फैमिलीज के साथ अपने दोस्तों के साथ और लेकर बाल्टियां लेकर और बकेट्स लेके वो निकलते हैं और जगह जगह कचरा कहीं नज़र आता है उसे उठाते हैं और फिर ले जाके कचरा कुंडियों में डालते हैं। क्यों? वो लोग अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, खुशगवार ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जीना हम भी चाहते हैं मगर कुछ अपने हाथों से करना नहीं चाहते। अपना जो हमारा एक अच्छे इंसान होने के नाते, एक अच्छा शहरी होने के नाते जो हमारी जिम्मेदारियां हैं हम वो दूसरों पर डाल देना पसंद करते हैं। अपना घर तो हम साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं मगर अपनी गली को साफ़ सुथरा नहीं रखना चाहते। अगर अपनी गली को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं अपना मोहल्ला ख़राब करते हैं। सिनेमा चले जाएँ, किसी हॉल में चले जाएँ, किसी तफरीका चले जाएँ, पार्क्स में चले जाएँ, लोग वहीं खाते हैं और वहीं रैपर्स फेंक देते हैं, कोल्ड ड्रिंक या मशरूब लिया वो पिया और वहीं बोतल फेंक दी। ये तमाम कसाफतें, ये तमाम आलूदगी ये पता देती है, बताती है कि हम कैसा माशरा है। एक महजब माशरा वो होता है कि जहाँ लोग अपने माहौल को साफ सुथरा रखते हैं, इस धरती माँ से प्यार करते हैं और इसका एहतराम में इसको इसकी हकीकी जो इसका खालिस माहौल मालिक ने इसे दिया है वो देने की कोशिश करते हैं। हम ज़मीन को इस धरती को इज्जत देंगे, हमें भी इज्जत दुनिया और जहान में मिलेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।